Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you all are finally doing great at your homes. अब जिस दिन भी आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन क्रिएटिव राइटिंग आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड. जिस दिन भी मैंने क्रिएटिव राइटिंग की वीडियो बनानी होती है मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई लव टू डिस्कस विद यू ऑल. मुझे आपसे से डिस्कस करके भी बहुत मज़ा आता है. जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, किस टॉपिक पे हमने क्रिएटिव राइटिंग की थी? लास्ट टाइम वी हैड रिटन ऑन ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? टू रेड ऑल द पैराग्राफ्स. आप लोगों ने जितना भी लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस वॉज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस वॉज काइंड ऑफ दैट आई वॉज गेटिंग टू नो अबाउट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फैमिली. तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा. स्पेशली आई लव द कॉन्टेंट ऑफ फातिमा एंड अली. वेल डन यू गाइज हैव रिटन सो वेल. मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया. इट वॉज वेरी गुड. आप लोगों ने जो कंटेंट यूज़ किया एंड द वे यू गाइस फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, इट वाज सुपर्ब. ठीक है, सो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. वेल डन, कीप इट अप. एंड वन थिंग मोर दैट आई वांट टू मेंशन कि आप लोगों ने इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना है. ठीक है, अब सिर्फ जौन सा है जो भी पैटर्न हम लोग अपनी क्रिएटिव राइटिंग करने में यूज़ कर रहे हैं आपने उस पैटर्न को फॉलो करना. जिस तरह हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स की बात की थी तो उस ग्रैंड पेरेंट्स में यू नो दैट वी ऑलवेज ड्रॉ अ प्लॉट. हम एक प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं. हाउ डू वी ड्रॉ अ प्लॉट? अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये ग्रैंड पेरेंट्स दे आर इन दिस प्लॉट. वो इस प्लॉट में है और इस प्लॉट में होने का मतलब है कि उन ग्रैंड पेरेंट्स से जितनी भी चीज़ें जौन सी हैं वो लिंक करती हैं. आपने जौन सा है उनको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में मेंशन करना है. इफ यू सी के हमारे पास एक ट्री होता है, जस्ट लाइक वी हैव अ ट्री एंड ऑन दिस ट्री वी हैव सो मेनी ब्रांचेस. इन ट्रीज पे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं एंड ऑन दोस ब्रांचेस वी हैव लीव्स. इज इट लाइक दिस? Sorry, I was bad at drawing, but I didn't draw it. ज़्यादा होते हैं उसी तरह हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं जो लिंक करती जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. दे आर ऑल कनेक्टेड.
इसलिए भी मुझे लास्ट टाइम ये टॉपिक जो आंसर है इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मुझे लास्ट टाइम भी इसको एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आया था. एक्चुअली मेन बात इसको बताने की ये है, द पर्पज़ इज़ ओनली दिस कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे आप लोगों ने एक बात को दूसरी बात से लिंक करना है. हाउ यू हैव टू क्रिएट कॉन्टेंट, आपने कॉन्टेंट किस तरह से क्रिएट करना है. ठीक है, ये आपकी लर्निंग है. दिस इज़ द पर्पज़ वाई यू राइट, वाई यू डू द क्रिएटिव राइटिंग. आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं इसलिए बिकॉज आपका जो माइंड है वो वास्ट हो, आप जो सा है एक वास्ट लेवल पे जाके सोचें, आप हर चीज़ को एनालाइज करें या आप चीज़ों को क्रिटिसाइज करें, उनको समझें. ठीक है, सो दिस इज़ द पर्पस व्हाई यू डू क्रिएटिव राइटिंग. आपका मेन पर्पस ही यही है. तो ये तो था हमारा लास्ट वीक का टॉपिक. व्हाट टॉपिक डू आई हैव फॉर यू ऑल टुडे. आज हम क्या प्लॉट कर रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आई एम 101% श्योर कि आप में से जो मोस्टली बच्चे, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू जस्ट लव इट एंड एंजॉय बिकॉज दिस इज व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम. एनी हिंट्स? अब मैंने इतना हिंट मैंने दे दिया, बाकी आप लोग गेस करें आज का टॉपिक क्या हो सकता है. व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? ये सारा यस अब्दुल मनान, डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? जब आप फ्री होते हैं, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, व्हाट डू यू डू? आप जब पढ़ नहीं रहे होते तो आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? यस, यू प्ले, आप खेलते हैं. ठीक है, एंड यू प्ले डिफरेंट गेम्स. दिस इज योर टॉपिक फॉर टुडे, माय फेवरेट गेम. माई फेवरेट गेम. अब इस फेवरेट गेम में आपकी कौन कौन सी चीज़ लिंकिंग हो सकती है? हाउ यू कैन ड्रॉ अ ट्री, उस ट्रीज में क्या क्या ब्रांचेस निकल सकती हैं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गेम टाइप कौन सी है? ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ योर गेम? We have different types of games. हमारे पास बहुत तरह की गेम्स होती हैं जो हम खेलते हैं. ठीक है, इट कैन बी एन इमेजिनरी प्ले, इट कैन बी अ टीम गेम, इट कैन बी अ बोर्ड गेम, इट कैन बी अ कंप्यूटर गेम. व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू प्ले? इमेजिनरी प्ले है कोई?
बस जहन जहन में बैठ के जौन सा हैं अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, उसको अपने माइंड के अंदर ही खेल रहे होते हैं। आपकी टीम प्ले क्या हो सकती है, यानी कि जिसमें आपके कोई मेंबर्स हों जो आपके प्लेमेट्स हों जो आपके साथ खेलते हों, आपकी बोर्ड गेम जिस तरह हमारे पास चेस है, लूडो है, दीज आर द बोर्ड गेम्स, आपकी कैरम बोर्ड है, आप बोर्ड गेम्स भी खेलते हैं, आपकी कंप्यूटर गेम्स कौन सी होती हैं। मोस्ट ऑफ यू जस्ट लव द कंप्यूटर गेम्स, ऑल द एंड्रॉयड गेम्स जो आप लोगों के फ़ोन्स में होती हैं और आप लोग जौन से हैं जस्ट प्ले इन योर फ़ोन्स इन योर फ्री टाइम। बहुत से बच्चों को मैंने कैंडी क्रश खेलते हुए देखा है, बहुत से बच्चों को मैंने सबवे सफ़र खेलते हुए देखा है। मोस्ट ऑफ यू जो बड़े बच्चे हैं दे जस्ट प्ले पबजी, दैट इज़ दैट हैज़ अ वेरी गुड हाइप दीज डेज। मतलब few months back I think PUBG Jonsi hai, this is a computer game jo aayi thi, and now every kid is just aware of it. Most of the students or most of the kids just know how to play it. Aap mein se kafi bachon ko to achhi khelni bhi aati hai, you have made so many scores, aap logon ne the scores banaye hue hote hain, you just know how to play it, members kaise hote hain, aapka environment kaisa hai usme, aapne Jonsi hai kis side pe jana hai, kahan pe land karna hai, kitni cheeze hoti hain। तो मतलब आप व्हेन यू आर इनटू समथिंग, आप जो उनसे हैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको उसके बारे में पता होता है कि उसमें कौन सी चीज़ है, कैसी चीज़ है और किस तरह से उसको खेलते हैं। अब आपकी कोई फिज़िकल गेम भी हो सकती है, जिस तरह क्रिकेट होता है आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में जाके, और इतनी गेम्स होती हैं जो आप खेलते हैं। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट योर गेम्स, तो आप उस गेम में जौन सा है और क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी गेम में आपके प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, कितने प्लेयर्स आपकी गेम में खेलते हैं। मे बी जो मैं गेम खेलती हूँ द गेम आई लाइक, उसमें वो सिंगल प्लेयर गेम हो, उसमें मुझे किसी और प्लेयर की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है उसमें मुझे टू प्लेयर्स की जरूरत हो सकता है उस गेम में फोर प्लेयर्स खेलते हैं, हो सकता है अगर किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो वो तो 11 प्लेयर्स की गेम है, ठीक है। अब जो गेम आप खेलते हो अगर आपकी गेम टाइप पे डिपेंड करता है, अगर वो कोई फिजिकल गेम है तो ऑब्वियसली उसमें आपको टूल्स भी चाहिए होते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसकी किट होगी। जिस तरह क्रिकेट की अगर हम बात करें, इफ़ यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो यू हैव योर किट, आपके पास आपकी किट होती है, द यूनिफॉर्म दैट यू वेयर इज़ नोन एज योर किट, आप वो किट वेयर करते हो, किट पहनते हो, आपके टूल्स में आपके बैट आ जाता है, आपकी बॉल आ जाती है, आपके विकेट आ जाती है, ठीक है। आप जौन सा है जो आप गेम खेलते हो वो किस प्लेस पे है, यानी कि कहाँ खेलते हो, यू वांट टू राइट अ प्लेस, आपने वो प्लेस लिखी होती है, आप वो प्लेस मेंशन कर सकते हो, यानी प्ले इन द प्लेग्राउंड। अब जो भी गेम है आपकी वो आप किस लेवल पे जाके खेलते हैं, आपकी गेम का क्या लेवल है। कुछ गेम्स होती हैं वो इतनी फेमस नहीं होती, जैसे कुछ कंप्यूटर गेम्स उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट वेरी फेमस, वो इतनी फेमस नहीं होती, और कुछ बहुत फेमस होती है जिसके बारे में सबको पता होता है, जिस लाइक पबजी, आई थिंक पबजी इज़ अ गेम, मेरा नहीं ख्याल कि इस गेम के बारे में किसी को नहीं पता होगा, इट्स सच फेमस। अब कुछ गेम्स होती हैं जिसमें हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ गेम्स 20 लेवल्स की होती हैं, कुछ 100 लेवल्स की होती हैं। अब अगर फिज़िकल गेम की बात करें तो जो हमारी क्रिकेट है वो नेशनल लेवल पे भी खेली जाती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली जाती है, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके खेलते हैं, बाहर से टीम्स आके हमारी कंट्री में भी खेलती हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू राइट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वन टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में आप किस तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, किस तरह से डिफरेंट कॉन्टेंट लिखते हो, दिस इज़ वॉट यू ऑल हैव टू लर्न, यही सीखना है आप सब ने, ठीक है। और अपनी फेवरेट गेम के बारे में लिखना है, एंड देन यू ऑल हैव टू सबमिट योर वर्क बैक हियर इन द गूगल क्लासरूम, ओके। सो अब आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी गेम्स कौन सी हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब आई नो मोस्ट ऑफ यू, मुझे आप में से मोस्टली बच्चों का पता है एंड लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि किस बच्चे को कौन सी गेम अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाट गेम यशल लाइक्स, आई डोंट नो व्हाट जैनब लाइक्स, जैनब को क्या पसंद है, आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ द फेवरेट गेम ऑफ फैजुल हसन,
हुसनैन और रयान, इनकी क्या फेवरेट गेम्स हैं? आई डोंट नो अबाउट सनान, आई डोंट नो अबाउट अब्दुल मनान, राइट? आई डोंट नो अबाउट द चॉइस ऑफ अब्दुल हादी. तो ये सब जॉन्सी है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, दिस इज़ अबाउट गेटिंग नोइंग ईच अदर. इन इस स्टडीज़ के थ्रू हम सब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते भी हैं. यू गेट टू नो अबाउट मी बिकॉज पढ़ते पढ़ते मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड यू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, योर एक्सपीरियंसिस विद मी. तो आई गेट टू नो अबाउट यू, यू गेट टू नो अबाउट मी. सो इट इज़ जस्ट नॉट लर्निंग, दिस इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग एज वेल. हम एक्सप्लोर करते हैं दूसरे लोगों को, दूसरी प्लेसेस को, दूसरी चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसके बारे में हम नहीं जानते. Is it like this? Right? Yes. अब जॉनसा है, आप लोगों ने what I think, मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनको मोस्टली क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जो गर्ल्स होती हैं उनको रनिंग वाली गेम्स मोस्टली अच्छी लगती हैं, लाइक रन करना. रेडी गो इज़ अ गेम जो गर्ल्स को मैंने बहुत ज़्यादा खेलते हुए देखा है. दे ऑल्सो प्ले क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है. क्रिकेट इज़ सच अ गुड गेम, मुझे खुद बहुत पसंद है. आई ऑल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक टू बैटिंग. सम ऑफ यू माइट बी गुड एट बैटिंग, सम ऑफ यू माइट बी गुड एट बॉलिंग. मे बी आप में से कुछ फील्डिंग भी अच्छे हो, मे बी कुछ विकेट कीपिंग भी अच्छे हो, ठीक है? तो यू विल बी राइटिंग, इफ यू आर गोइंग टू राइट ऑन क्रिकेट, इफ द क्रिकेट इज़ योर फेवरेट गेम एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट ऑन क्रिकेट, तो आई वुड रिकमेंड कि आपने सारा कॉन्टेंट मैंशन करना है. You can write about the kit you wear to play cricket. You can write the instruments, the tools that you use to play cricket. You should write about the players. You should write ki kaun kaun se countries mein, you can just search it out on Google ki kaun kaun se countries mein jaunsa hai wo cricket kheli jati hai. And then you can write ki jin countries mein cricket kheli jati hai wo international level pe hai ya national level pe hai. Ab jis tarah mashallah se Pakistan mein jo cricket hai wo international level pe kheli jati hai. यानी इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके मुल्क के अंदर अंदर हो रही हो, आपके कंट्री के अंदर हो रही हो, दैट इज़ ऑन द नेशनल लेवल. एंड इफ समथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री, तो दैट इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल. अगर आप कंट्री के बाहर जाके भी कुछ कर रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना कहते हैं. इस तरह क्रिकेट है जो हमारी गेम क्रिकेट है, दैट इज़ बीइंग प्लेड ऑन इंटरनेशनल लेवल. हम दूसरे कंट्रीज में जाके भी खेलते हैं, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. आप अपने प्लेयर्स मेंशन कर सकते हैं, आप वो वे मेंशन कर सकते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप जौन सा है वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि क्या तरीके, किस वे से खेलते हो आप क्रिकेट, क्या फॉर्मेट होता है, कितने ओवर्स होते हैं, कितनी जौन सी हैं वो बॉल्स आपको अलाउड होती हैं, कितने रन आपको बनाने होते हैं, कौन सी टीम का कौन सा फॉर्मेट होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो. इस तरह से भी आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट हो सकता है. अगर आप में से किसी ने किसी कंप्यूटर गेम के बारे में लिखना है तो आप कंप्यूटर गेम के बारे में भी लिख सकते हैं. इफ़ यू राइटिंग ऑन पबजी तो आप लिखो कि आप कौन से एनवायरनमेंट में करते हो, किस तरह से आपकी गेम स्टार्ट होती है, कितने स्कोर्स, आप कौन सी चीज़ अचीव करने पर आपको कितने स्कोर्स मिलते हैं. दिस इज़ वेरी फेमस, आई डोंट नो इट्स फनी, बट जिस तरह से होता है कि इफ़ यू विन द गेम यू गेट द चिकन डिनर. तो मैंने काफ़ी बच्चों को ये भी मतलब गेम खेलते हुए मैंने चलते फिरते ये भी सुना हुए, दैट दे गेट द चिकन डिनर इफ दे विन द गेम. तो आप इस तरह से चीज़ें आप मतलब वट एवर यू आर गोइंग टू राइट, आप जो भी लिख रहे हो आपने उसको डिटेल में मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे वो आपके कोई टीम गेम है. अगर आप कोई टीम गेम भी खेलते हो, जस्ट लाइक रनिंग करते हो, या कोई भी आपकी रेसिंग है, या आपको कार्स रेस पसंद है, आपको कंप्यूटर गेम में कोई रेसिंग गेम खेलते हो, तो कुछ भी वट एवर यू लाइक, तो आपने उसके बारे में जौन सा है हेल्दी कॉन्टेंट क्रिएट करना है और लिखना है. सो आई विल बी वेटिंग टू जस्ट चेक योर वर्क ऑन दिस असाइनमेंट. आपकी इस असाइनमेंट को मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू डू इट. Okay, so just do your work and take good care of yourselves. Do ask if you still find any difficulty. Take good care of yourselves. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.